है कि इस बार पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार पर बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है, हालांकि इसमें चीन अड़ंगा लगाता है। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को क्यों मिलनी चाहिए स्थायी सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने 2015 में कहा था कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाती तो कुछ नए उभरते देश इसकी प्रधानता को चुनौती दे सकते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि भारत पूर्व में दो बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा चुका है। बहरहाल जून 2020 में भारत को 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया था। 192 वोटों में से भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े थे। इस साल अगस्त में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी की थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले एक बेहद अहम बैठक हुई। ये बैठक हुई थी G4 देशों के बीच, जिनमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। इस बैठक में इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की बात काफी समय से चलती आ रही है। चीन को अगर छोड़ दें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट का फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन समर्थन कर चुके हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश भी है। ये भारत के लिए एक स्थायी सीट के लिए महत्वपूर्ण कारण है। भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसके साथ साथ भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे बड़े भागीदारों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन 15 सदस्यों द्वारा किया गया है। इनमें 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी सदस्य शामिल हैं। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हैं। गौरतलब है कि इन स्थायी सदस्यों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। इन 10 गैर स्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। इनमें 5 सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से, 2 दक्षिणी अमेरिकी देशों से, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं।